नमस्कार, स्नैक मिल किचन में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक रेसिपी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे ली है 2 कैरी, और जिसे हमने साफ पानी से धोकर रखा हुआ है। और अब हम इसके पतले पतले छिलके उतार लेंगे कैरी के अच्छी तरह से। कैरी के छिलके उतारने के बाद आप इसे एक बार फिर साफ पानी से धो लीजिएगा, जिससे कि इसमें अगर मिट्टी होगी तो वो भी अच्छी तरह निकल जाएगी। और अब हमने यहाँ पे कैरी को छील के वापस धो लिया है, और अब हम इसे काटेंगे। इस कैरी को हमें बारीक बारीक काटना है, मोटा बिल्कुल नहीं काटना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखिए हमें इतना बारीक यहाँ पे करना है। यहाँ पे हमें कैरी को मोटा नहीं काटना है, और ना इसका कद्दूकस करना है, हमें इसका बारीक बारीक टुकड़े ही करने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये देखिए यहाँ पे मैंने कैरी के टुकड़े कर लिए हैं बहुत बारीक बारीक। और अब हम चलेंगे गैस की तरफ, और गैस पर हम रखेंगे एक कढ़ाई। ये देखिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, और इसमें हमने डाला है केवल 2 छोटे चम्मच तेल। यहाँ हमें ज़्यादा तेल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, 2 छोटे चम्मच तेल चाहिए। और अब हम डालेंगे मसाले, 1 चम्मच जीरा, 1.5 टीस्पून कलौंजी, 1/2 चम्मच दाना मेथी, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया सौंफ। सौंफ थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ ही हम यहाँ पे लेंगे 1 चम्मच पीसी हुई राई। और अब हमें इन सबको अच्छी तरह मिला लेना है। गैस को हमें यहाँ तेज रखना है, स्लो नहीं करना है। और अब हमने जो कैरी काट के रखी है वो हम इसमें मिला देंगे। और सभी मसालों को अच्छी तरह कैरी के अंदर हम मिला देंगे। और इस समय गैस को रखना है स्लो, तेज नहीं रखना है, गैस को हमें स्लो कर देना है इसके बाद में। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप के करीब पानी। 1 कप पानी यही आपको इस पर डाल देना है। और उसके बाद अच्छी तरह इसको मिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हमें कम ही लेना है, क्योंकि जब कैरी बनकर तैयार हो जाएगी तो मैं लास्ट में एक ऐसी चीज़ इसमें डालूंगी जिससे कि इसका स्वाद डबल हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे अभी नमक कम ही डालना है। और जब पानी में अच्छी तरह उबाल आ जाएगा उस समय हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग। हींग डालने से इस रेसिपी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। हम यहाँ पे डालेंगे हींग, और उसके बाद हम इसको प्लेट से ढक दे देंगे, और उसके बाद हम इसे पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक, क्योंकि हमने कैरी को पतला पतला काटा था इसलिए जल्दी पककर तैयार हो जाता है। अब इस समय हम इसमें डालेंगे गुड़। ये मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है, और अब हम इसको कैरी में ऐड कर देंगे। यहाँ पर अभी हमें गुड़ को कम ही लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैरी खट्टी होती है, कई बार कैरी मीठी हो जाती है, तो उसको अकॉर्डिंग बाद में आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अब हम डालेंगे मिर्च बहुत ही कम मात्रा में, आधे से भी कम चम्मच डाला है मैंने इसमें, आपने देखा अभी इसमें। और अब हम ऐड करने वाले हैं इसमें काला नमक, और वो मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो है चाट मसाला। इससे इस रेसिपी का स्वाद बहुत ही शानदार जानदार होने वाला है। इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद आप एक बार इसको टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि मीठा कम है तो आप इसमें गुड़ और ऐड कर सकते हैं। और अब हम कैरी का एक छोटा टुकड़ा लेंगे चम्मच में, और हम देख लेंगे कि कैरी पकी है या नहीं पकी है। आप इस तरह चम्मच में ले लीजिए, और आप चेक कीजिए कि कैरी अगर पक गई है तो आप गैस बंद कर दीजिए, और अगर नहीं पकी है तो आप इसे 2 मिनट और पका लीजिए। यहाँ पे देखिए चम्मच में मैं देख रही हूँ जो कैरी है बहुत अच्छी तरह पक चुकी है। इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि आपको इसको खाने के लिए हफ्तों भर इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, और न ही हमें इसे धूप में रखने की आवश्यकता है। इसको आप तुरंत बनाइए और तुरंत खा सकते हैं। ये खाने में इतना चटपटा, इतना खट्टा मीठा होता है कि यह आपके डिनर और लंच की थाली को पूरा कर देता है। और ये खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अब आप इसे काफ़ी दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। तो आज की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक आप इस चटपटे आम के अचार का मज़ा लीजिए। थैंक यू।